और स्वर कोकिला लता मंगेशकर की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। हालांकि आशा भोसले ने कहा है कि लता की तबीयत में सुधार हो रहा है। पीयूष गोयल, आशा भोसले और रश्मि ठाकरे ब्रिज कैंडी अस्पताल पहुंचे और लता मंगेशकर के स्वास्थ्य की जानकारी ली। पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने लता मंगेशकर के लिए अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज सुबह मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में लता मंगेशकर से मिलने जाएंगे। कशी तब्येत आहे? छान आहे, अजून स्टेबल आहेत त्या आणि आम्हाला आशा आहे चांगलं। लोक प्रार्थना करतात ताई बऱ्या होण्यासाठी, दीदी होण्यासाठी। पूरा देश आज प्रार्थना कर रहा है कि लता दीदी जल्दी से स्वस्थ हो जाए, जल्दी से यहां से उनको हम घर लेके जा सके। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपना शुभ संदेश लता दीदी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भेजा है, परिवार को मैंने कन्वे किया है। हम सब चिंतित हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो और भगवान उनको लंबी आयु दे। पंजाब में सीएम पद के चेहरे को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर आलाकमान को निशाने पर ले लिया है। पंजाब में कांग्रेस जल्द ही पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान करने वाली है और उससे ठीक पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने उस चेहरे पर दाम लगाने की नसीहत दे डाली जिसके दम पर पार्टी को 60 सीटों पर जीत मिल सके। तो चेहरा तय करूं कि 60 बन दे या नहीं बन दे। वहीं कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी चुनाव से पहले सीएम पद का चेहरा तय किए जाने के फैसले पर सवाल उठा दिए। लोकतंत्र में मुख्यमंत्री चुनने का जो अधिकार है वो MLA को है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पंजाब में सीएम चेहरे के लिए मौजूदा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी रेस